नागपुर से एक टीम 22 की व्यूअर का एक मैसेज आया, उनको अपने अंबेडकर अनुयायी या अंबेडकर के जो भक्त हैं उनको लेकर बहुत चिंता है। चिंता इस बात की है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और इस कोरोना के माहौल में महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो अंबेडकर जयंती पे बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं। वो सड़कों पे ना जाएं या समूह में या ग्रुप में ना जाएं, कहीं कोरोना उनको नुकसान ना पहुंचा दे। इस चिंता की वजह से जो उनका मैसेज था वो इस बात का था कि मैं एक वीडियो उसके लिए बना दूं। बाय चांस एक वीडियो मैंने पहले बनाई हुई थी, मगर फिर दूसरी वीडियो बनाने का मैंने वायदा किया, ये उसी के तहत में बनाई जा रही है। चार तरह के लोग लगभग होते हैं, उसमें सबसे नीचे के जो लोग हैं उनको बोलते हैं अंधभक्त या रेटिलिएटर या प्रतिहिंसक या प्रति विरोधी। ये इस तरह के लोग होते हैं जो किसी भी बात की बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, हिंसा करते हैं, प्रतिहिंसा करते हैं। यानी कि इसको आप ऐसे समझ लिए कि अगर आपने दो मोमबत्ती जलाई तो हम चार जलाएंगे, अगर आपने मसाल जुलूस निकाला तो हम आपसे बड़ा मसाल जुलूस निकालेंगे, अगर आपने तीन नारे लगाए तो हम 300 नारे लगाएंगे, अगर आपने 9 मिनट मोमबत्ती जलाई तो हम 14 तारीख को 14 मिनट मोमबत्ती जलाएंगे, अगर आपने 3 मिनट कोई ढोल बजाया तो हम पूरे दिन ढोल बजाएंगे, अगर आप नाचे तो हम कई दिन तक नाचेंगे। मतलब वो प्रति जवाब देते हैं, उनको इतनी समझ होती है कि जो सामने वाले ने काम किया है उससे बड़ा काम करके दिखाना है तो हमारी विजय हो गई, तो हमारी जीत हो गई, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। उनको समझाने वाले या समझने वाले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी वो बात मानते हैं। और इस प्रतिहिंसा में या जो ये रिटेलिएट करते हैं या जो अंधभक्ति करते हैं उसमें वो सामने वाले का ज़्यादा फायदा उठा देते हैं, क्योंकि आज्ञा तो वो सामने वाले की ही मान रहे हैं। यानी तुमने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया, अपना कुछ नहीं करना है। आपने अगर 3 नारे लगाए तो हमने 300 लगाए, तो सामने वाले ने अगर जैसा उकसा दिया वैसा आपने कर लिया। ये ठीक ऐसी स्थिति है कि अगर बंदर के हाथ में कंघा आ जाए और बंदर से बाल कड़वाने हों उसके बंदर के, तो आप कंघा लेके हाथ में बंदर को दिखा के अपने बाल काटिए, बंदर आपकी नकल करता हुआ अपने बाल भी काटना शुरू कर देगा। आप कंघा फेंक देंगे तो वो कंघा जोर से फेंक देगा। इस तरह से जो रिटेलिएटर होते हैं या प्रतिवादी होते हैं या प्रतिहिंसक होते हैं या जो अंधभक्त होते हैं, उनका अपना दिमाग, अपना ब्रेन जीरो होता है। वो दूसरे को देखकर काम करते हैं, उनमें जोश और उनमें ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा करते हैं और इसको वो अपनी विजय और अपनी जय मानते हैं। इसी का दुख है और इसी का डर है, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक तो कोरोना में जो लाखों लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं और लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं, पूरी दुनिया में बाबा साहब का जन्मदिन काला दिवस घोषित हो जाएगा कि सब, जब सारी दुनिया मर रही थी तब बाबा साहब के जो ये अंधभक्त थे या जो प्रतिहिंसकवादी थे या प्रतिवादी थे या जो रिटेलिएटर थे, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हुए और इसको खूब धूमधाम से सड़कों पे मनाया और खुशी का जश्न मनाया, ये एक कलंक हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि जो ग्रुप में और समूह में लोग आएंगे उनको कोरोना होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि कोरोना अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और तीसरा नुकसान इसका ये होगा कि यही जो अंधभक्त लोग थे, जो रिटेलिएटर थे, जो फेसबुक पे और जो यूट्यूब पे बार बार इस बात को कह रहे थे कि देखो ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने मोमबत्ती जलाई या ऐसे मौके पे इन्होंने शोर शराबा किया या ऐसे मौके पे इन्होंने दिवाली मनाई, जो आलोचना की थी वो आलोचना 10 गुना होके जीवन भर मिलेगी। तो ये तीन बड़े बड़े नुकसान होंगे जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, पूरे भरपाई नहीं हो सकते। ये चिंता उनकी वाजिब है। इस चिंता को ध्यान में रखते हुए जो अनुयायी हैं, अनुयायियों को समझाना चाहिए, क्योंकि अंधभक्त से जो ऊपर की श्रेणी आती है वो आती है अनुयायी की या फॉलोअर की, या जो अनुसरण करते हैं, जो बाबा साहब की बात को मानते हैं। इन अनुयायियों में एक बात बड़ी कॉमन आ रही है कि ये सारे अनुयायी आपस में टेलीफोन पर या जो आज की डेट में इंटरनेट पर सुविधा है मीटिंग की, उस पर
ये आपस में चर्चाएं कर रहे हैं और ये चूंकि इनको शौक है मीटिंग करने का और बार बार अपनी बात कहने का, ये अनुयायी बहुत सारे ग्रुप में बटे हुए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप हैं, कुछ बड़े ग्रुप भी हैं और सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, इनकी कोई कॉमन बात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि क्या हम इसको घरों में मनाएं, एक दिया जलाएं, कोई कहता है तीन दिए जलाएं, कोई कहता है कि खूब आरती उतारें, कोई कहता है कि 22 प्रतिज्ञाएं गाएं, कोई कहता है घर को साफ करें, कोई कहता है कि बाहर जाके गरीबों को सामान बांटें। जितने भी अनुयायी हैं उनके सबके दसियों हजार ग्रुप बने हुए हैं और वो दसियों हजार उनकी सलाह और मशवरा उन अनुयायियों का आ रहा है, यानी वो सड़क पर उतरने की बात तो नहीं कर रहे हैं मगर घर में मनाने की कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वो घर पर मनाएंगे तो वो दिखाने के लिए कि हमने बाबा साहब का जयंती बहुत धूमधाम से मनाया, तो वो अपने फोटो और वीडियो भी डालेंगे। ये फोटो और वीडियो पूरी दुनिया में जाएंगे और पूरी दुनिया में इस बात का मैसेज जाएगा कि भारत में कुछ लोगों ने दुनिया में मरने वाली मौतों में अपने जो उपास्य हैं या जो अपने देने वाले हैं उनका जन्मदिन मनाया और इतनी धूमधाम से मनाया और ये उनके फोटो हैं। ये बात भी दर्ज होगी पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया में जाएगी ये, क्योंकि ये भी कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब होते तो दुख में शरीक होते, दुख में शरीक होने का कोई कायदा आना चाहिए था। ये अनुयायी की बात है। और जो इससे ऊपर का लेवल है वो जो लेवल है वो है बुद्धिमान का, इंटेलेक्चुअल का, समझदार का। इसको हम कह सकते हैं कि हाफ इंटेलेक्चुअल, आधा बुद्धिजीवी। मैंने एक वीडियो भी आधा बुद्धिजीवी की बनाई है, आप उसमें देख लेना, क्योंकि ये पूरे बुद्धिजीवी कहीं आते नहीं है। ये वो लोग हैं जो उन छोटे 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 या बड़े जितने भी समूह हैं उनका नेतृत्व करते हैं, उनकी कोई ना कोई पोजिशन, कोई ना कोई ऑफिस बियरिंग या कोई ना कोई पोस्ट इन्होंने होल्ड की हुई है और ये बड़ी शान से अपनी बुद्धि बताते हैं और अपनी बुद्धि का काम करते हैं। और बाबा साहब के इनसे बड़े कोई अनुयायी और इनसे बड़ा कोई बुद्धिमान भारत में अभी तक पैदा नहीं हुआ है, ऐसा इनका विश्वास और ऐसा उनका यकीन है। और ये यकीन इसलिए भी गाढ़ा हो जाता है क्योंकि कुछ लोग इनको सुनते भी हैं और इनकी बात मानते भी हैं, तो उनका अपना फैसला है और वो सब अपनी अपनी बात को बताते हुए, अभी तो समय और भी है 3-4 दिन का, कुछ ना कुछ उनका आएगा जाएगा बदलेगा। मगर एक बात जो सोचने की है और जो बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि भारत में इससे ज्यादा मुश्किल पूरी दुनिया में समय नहीं आने वाला हमारे जीवन काल में। पूरी दुनिया बंद हो गई, पूरी दुनिया के जहाज उड़ने बंद हो गए, रेल उड़नी चलनी बंद हो गई, बसें बंद हो गई, सड़कें सूनी हो गई, कारोबार जो थे वो सारे बंद हो गए, करोड़ों की संख्या में जो मजदूर हैं बेरोजगार हो गए, 40 करोड़ की तो रिपोर्ट है कि भारत में ही बेरोजगार है और अभी कई महीने तक ये चलेगा भी, क्योंकि ये जो सर्दियों से आरंभ हुआ है, नवंबर दिसंबर से आरंभ हुआ है तो अभी तक ये काबू में नहीं आया है, भारत में तो अभी शुरू हुआ है, तो ये बहुत बड़ा है। लाखों मजदूर जो दिल्ली मुंबई या बड़े बड़े शहरों से पलायन करके गए वो अपने स्टेट और गांव के बाहर ही पड़े हुए हैं, दूसरे स्टेटों ने उनको लिया नहीं। बहुत सारे लोगों की जो मृत्यु है वो आते जाते ही रास्ते में हो गई। बहुत सारे लोगों के लिए अभी आगे का खाना भी मिलना थोड़ा कठिन है, सब तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसके अलावा जो बीमारी की मार पड़ेगी वो अलग है। इन सबको देखते हुए कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऐसी संस्था हमारी नहीं है जो इनको सांत्वना दे सके या इनको सही डायरेक्शन दे सके या इनसे बात कर सके या ये लोग उनसे बात कर सकें। मेरा कहने का मतलब ये था कि हाफ इंटेलेक्चुअल जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे अनुयायी तो हैं मगर बाबा साहब की उस बात को नहीं मानते कि संगठित रहो। ये कभी संगठित नहीं होते। इतनी बड़ी आपदा में भी इनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। भारत में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं या जितने भी बुद्ध के मानने वाले लोग हैं या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खास तौर से नीचे के लोगों की, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी, गरीबों की, या जितने भी सरकारी कर्मचारियों के संगठन हैं या जितने भी दल बल सेना के वॉलंटियर के संगठन हैं, उनका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। वो अपना थोड़ा थोड़ा जो मदद हो सकती है वो मदद कर रहे हैं और उसके फोटो आप लगातार देख रहे हैं कि वो क्या मदद कर रहे हैं क्या नहीं है। मगर ऐसा सिस्टम नहीं है सेंट्रलाइज केंद्रीकृत जहां वो सरकार से बात करके ये कह सके कि इस बॉर्डर पर इतने लोग फंसे हुए हैं या यहां इतने लोगों को खाना पहुंचना है या यहां इतने लोग बीमार हो गए या ये लोग पैदल जा रहे हैं तो इनके लिए बस या रेल या हवाई जहाज चाहिए या इनको पैसा नहीं है तो इनके पास पैसा चाहिए, अगर इनके पास दवाई नहीं है तो दवाई चाहिए, वहां 5 लोग पड़े हैं तो उनके पास ना फोन है ना कोई खबर है वहां कैसे पहुंचे। ऐसा कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम इन हजारों बनी हुई संस्थाओं का कहीं पूरे भारत में नहीं है। ये जितनी संस्थाएं हैं ये कहती हैं
कि हमारे दुश्मन ने हमको दसियों हजार जाति में बांट दिया। आपके दुश्मन ने आपको दसियों हजार जातियों में बांट दिया और सारे कार्यकर्ताओं को ये पढ़ाते हैं, तो आपने क्या किया, आपने दसियों हजार संगठनों में बांट दिया। आपके संगठन क्या करते हैं, मेरे संगठन का जो मेरा गुलाम कार्यकर्ता है, जो मेरा मानने वाला है, या जो मेरे लिए पैसा इकट्ठा करके लाता है, या जो मेरी बात को आगे बढ़ाता है, वो किसी दूसरे आदमी से ना मिले जाके, ना ही दूसरे संगठन में बात करे, दूसरे संगठन की हमेशा बुराई करे, उसके नेता की बुराई करे और उसके नेता को नीचा दिखाए, कहीं जाए तो चतुराई से इस बात को जस्टिफाई करे कि हमारा नेता बहुत अच्छा है। तो कहते क्या हो, पढ़ाते क्या हो, पढ़ाते यही हो कि जो हमारा दुश्मन है उसने हमें जातियों में 6,743 जातियों में बांटा हुआ है। तो आपने कितनी उस संगठन में बांटा हुआ है, दसियों हजार संगठन जो जाति जैसे बनाए हुए हैं, वो भी शोषण करते हैं, आप भी पैसा लेते हो, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, आपके यहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई सहूलियत नहीं मिलती है, आप स्वयं शंभू नेता हो, कहते उनको हो, मगर सारा स्ट्रक्चर आप ही करते हो, आप जिनको गाली बकते हो, जिनको दुश्मन बनाते हो, ठीक वही काम आप कर रहे हो, आपका कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है, आपका कोई बिखरा नहीं है, आपकी ईगो और अहम इतना ज्यादा है कि इस कोरोना की महामारी में भी आप सब इकट्ठे होकर कोई मैसेज नहीं दे पाए, आपने इवन इकट्ठे होने का सोचा भी नहीं है कि इकट्ठे होके इन दसियों करोड़ लोगों को, 40-50 करोड़ लोगों को, 60-70 करोड़ लोगों को कोई अच्छा सा मैसेज दे दें जिसमें इनमें जोश भर जाए, इतनी सोच और इतनी समझ तक नहीं है आपके पास में, आपका कोई सेंट्रलाइज धार्मिक सिस्टम का कहीं से कोई डायरेक्शन मिले ऐसा नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जो जितने भी बुद्धिस्ट हैं उन बुद्धिस्टों का एक पूरे इंडिया का सेंट्रलाइज सिस्टम हो और वहां से सारी सलाह मिल जाए कि ये काम ऐसे करना है, ये मदद ऐसे पहुंचनी है, जिसको पैसा देना है वहां दे दे और मदद पहुंच जाए। आपके कहीं भी ऐसे कोई दल बल सेना संगठन या कोई भी जो फोर्स का या वॉलंटियर का या टाइगर फोर्स का या पैंथर का कहीं भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सब हजारों टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं। ठीक ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों की हालत है, ऐसे ही ठीक जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी हालत है, ऐसे ही जो आपके मजदूर संगठन है उनकी ये हालत है। तो हालत ये है आप बुद्धिजीवी की होने की वजह से कि एक मैसेज तक आपका सेंट्रलाइज नहीं आ पाया अभी तक सब लोगों का, टेलीफोन पे आ जाता या यूट्यूब पे आ जाता या कॉन्फ्रेंस पे आ जाता या अखबार में आ जाता कि हम सब लोग एक हैं और हमारा कहना यह है कि अब ये बाबा साहब की जयंती ऐसे मनाई जाए। हजारों संगठन तो हजारों बात है, लोग पूरे भ्रमित हैं, कहीं नुकसान हो जाएगा, जो जोश में लड़के हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे, उनको जानकारी नहीं हो पाएगी, कोरोना फैल जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप इससे ऊपर की स्टेज में आइए, ऊपर की स्टेज है सबसे ऊपर की प्रज्ञावान या पहियावान। पहियावान और प्रज्ञावान वो संघ और वो समूह था जो भगवान बुद्ध ने बनाया और जिसकी बाबा साहब कल्पना करते थे और जिसका बाबा साहब ने आदेश दिया कि आपको प्रज्ञावान बनना है, पहियावान बनना है। बेसिकली आपको जितना है वो बुद्धिस्ट भारत नहीं बनाना है, आपको बौद्धिक भारत बनाना है, क्योंकि ये पहियावान भारत बनाने के लिए बाबा साहब ने पूरी लड़ाई लड़ी, कैसे इसको प्रबुद्ध भारत बनाया जाए, कैसे इसको इंटेलेक्चुअल भारत बनाया जाए जो जेन्युइन होना चाहिए। उसके लिए आप सभी 14 अप्रैल तक जितने भी दसियों हजार संगठनों के आप नेता हैं, आप पहल कीजिए, आप मीटिंग कीजिए, आप कैसी कीजिए, हम आपके लिए मीटिंग नहीं अरेंज करने वाले हैं। आप समझदार हैं, जानकार हैं, अगर आप में इतनी समझ नहीं है कि आप इकट्ठे हो सकें, अगर आप में इतनी समझ नहीं है कि आप संगठित होकर इस कोरोना जैसी महामारी में भी एक समूह एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना सकें, अगर आपके अहम इतने ज़्यादा हैं कि करोड़ों लोग मरने वाले हैं या मर रहे हैं या परेशान हैं पूरी दुनिया में और आपका अहम उनसे बड़ा है, तो हम आपको 14 अप्रैल के बाद में नेता नहीं मानेंगे और ना ही हमें नेता की जरूरत है, हमें आपके बाड़े में बंधने की जरूरत नहीं है। आपने जो संगठन बनाए हुए हैं, आपने जो मेहनत की है, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे, मगर वो जब तक इकट्ठे नहीं होंगे हमारा कोई फायदा नहीं है। आप 14 अप्रैल को बाबा साहब के समय हमें ये गिफ्ट दीजिए, ये उपहार दीजिए, पूरे भारत को एक सांत्वना दीजिए, पूरे भारत को एक खुशी की लहर दीजिए, जिससे कि वो अपनी बीमारी से लड़ सके, कोरोना से लड़ सके, कि गरीबों का जो दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद के लिए अब सारे जितने बुद्धिजीवी हैं वो प्रज्ञावान हो गए हैं, उन्होंने अपने अहम और ईगो त्याग दी हैं, अब वो सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। सेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो ये है और हमारा पूरे भारत को ये नियम है और ये आदेश है कि 14 अप्रैल ऐसे मनाई जाए, वरना 14 अप्रैल इधर जाएगी, हम आपको 14 अप्रैल के बाद बाय बाय कर देंगे। हमें किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है जो ईगो से और अहम से भरा हो,
हमें ऐसे किसी कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है जो अपनी पोस्ट को बचाने के लिए अपने नेता से ये ना कह सके कि इकट्ठे हो जाएं। हमें ऐसे किसी भी अनुयायी की जरूरत नहीं है जो अंधा हो, जो अंधविश्वासी हो, जो अपने नेता में अंधविश्वासी करता हो, क्योंकि अगर 15% SC भी इकट्ठे हो जाते हैं और 7% ST भी इकट्ठे हो जाते हैं तब भी 22.5% लोग ही इकट्ठे हो पाएंगे। काम उसके बाद भी बहुत ज़्यादा है, पूरे देश को मजबूत करना है, पूरे देश को एक साथ लाना है, तो आपको ये ईगो छोड़कर इकट्ठा होना ही पड़ेगा, वरना हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको नमस्कार, आपको जय भीम, आपको नमो बुद्धाय, आपको बाय बाय, आपको गुड बाय। हमारे नेता आप तब होंगे जब इकट्ठे हो जाएंगे, वरना हमें मत कहिए कि आप इकट्ठे हो जाइए, आप इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि आप इकट्ठे नहीं होते हैं। आपको सभी को बहुत बहुत बाबा साहब की जयंती की मंगल कामनाएं। विश्व में शांति हो, विश्व में कोरोना की महामारी खत्म हो, भगवान बुद्ध का जो रतन सूत है वो फलीभूत हो। भगवान बुद्ध ने जो रतन सूत से जो पूरी वैशाली के अंदर महामारी अति शीघ्र शांत कर दी थी, उसी पैटर्न पर काम हो। डॉक्टर और जितने भी हमारे सहयोगी कर्मचारी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है। जितने भी लोग सफाई कर्मचारी हैं या डॉक्टर हैं या जो पुलिस है या सेना है या जो सरकारी क्षेत्र में लगे हुए हैं या प्राइवेट क्षेत्र में लगे हुए हैं, पूरे देश की तरफ से उनको मंगल कामना है। बाबा साहब की जयंती पर हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि ये जो पृथ्वी में आग लगी हुई है ये शांत हो जाए, जो जितने भी पृथ्वी के प्राणी हैं वो सबके सब मनुष्य का लाभ करें और मनुष्य का हित करें। जय भीम, धन्यवाद, नमो बुद्धाय।